हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। तो इस वीडियो में बात करेंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री का अपकमिंग सिनेमा द वैक्सीन वॉर को लेकर, जिसका आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये मूवी डायरेक्ट रिलीज करेंगे फुकरे थिर के साथ क्लैश करेंगे। तो अनदर मूवी और विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने इससे पहले कश्मीर फाइल्स, तस्कैन फाइल जैसे मूवी बनाए थे, तो ये मूवी कैसा होता है वो देखने का बात है। तो चलिए देख लेते हैं द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर कैसा हुआ और इसके बाद ही बात करेंगे ट्रेलर को लेकर। लेकिन अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रिव्यू रिएक्शन अपडेट्स आप लोगों को चैनल पे मिलेंगे, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑल कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हाँ, सुना मैंने, क्या हुआ? आपके साइंटिस्ट के पास 1,00,000 रुपए भी नहीं थे? मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे, तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है? वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। और हम सब सोल्जर्स। सोल्जर का काम होता है कमांड लेना। किसकी कमांड? अपने जनरल की। कौन है आपका जनरल? इधर देखो, आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आंख। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ दी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। अब बताओ, वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर, बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। तो भाई साहब, ये ट्रेलर इतना लंबा था, लाइक 3 मिनट का एक ट्रेलर, जहाँ पे फिल्म पे हम लोगों को मोस्ट ऑफ द थिंग क्या देखने को मिलेंगे हर एक चीज़ें ट्रेलर पे दिखा दिया है। लाइक इससे अगर कुछ अलग हम लोगों को फिल्म पे देखने को मिलेंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड, लेकिन जो ट्रेलर पे दिखाया, इट्स लाइक हम लोग फिल्म का एक छोटा सा वर्शन हम लोग ट्रेलर पे देख लिया है। इतना लंबा ट्रेलर था, जहाँ पे स्टोरी अगर कहूँ तो वो वैक्सीन बनाने में कोशिश करेंगे। नाना पाटेकर एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, वैक्सीन बनाएंगे टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। तो ये वैक्सीन बनाने के समय क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे, क्या क्या एजेंडा इनको मतलब गिराने की कोशिश करेंगे, सब कुछ यहाँ पे सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट का लाइफ कैसे अफेक्टेड होंगे, और थोड़ा सा सेंटिमेंटल, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा पैट्रियोटिक वाइब भी ट्रेलर पे दिया हुआ है, विद अ टच ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट टू। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के फिल्म पे जो जो सब एलिमेंट होता है वो सभी एलिमेंट हम लोगों को इस ट्रेलर पे देखने को मिले। तो अगर स्टारकास्ट के बारे में कहूँ तो अच्छा खासा स्टारकास्ट है फिल्म पे, स्टार्टिंग फ्रॉम नाना पाटेकर टू अनुपम खेर टू ऑब्वियसली पल्लवी जोशी, बट सरप्राइजिंग वॉज रायमा सेन। तो ये
नाना पाटेकर और आयमा सेन कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन नाना पाटेकर का जो रोल यहाँ पे दिखा बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही अलग हटके टाइप लग रहे थे, क्योंकि ऐसे सीरियस टाइप के रोल वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो जो कि ट्रेलर पे एंडिंग पे जो थोड़ा सा उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस था कि इंडिजीनियस वो सब जो बोल रहे थे वो अच्छा लग रहा था देखने में, तो होपफुली उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही प्रेस वर्दी होंगे। तो ट्रेलर जो था बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सीधा साधा था, एक पैट्रियोटिक वाइब आप लोगों को देंगे ओवरऑल द ट्रेलर, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ही स्कोर किया है, सब लोग का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही लग रहा था। और ये जो पूरा स्टोरी है वी ऑलरेडी नो कि वो वैक्सीन बनाने के समय क्या चल रहा था कोविड के समय पे, तो वही स्टोरी इस फिल्म पे दिखाएंगे। लेकिन जो मेजर बैकड्रॉप है इस ट्रेलर का वो है इतना लंबा ट्रेलर, अगर और छोटा ट्रेलर करते तो और ज़्यादा शायद बेहतर होता, लेकिन 3 मिनट का ट्रेलर में इतना सब कुछ दिखा दिया। लेकिन वो जो फैक्टर मिसिंग है वो है थ्रिल, बायोसाइंस के फिल्म पे अगर वो थोड़ा थ्रिल एलिमेंट होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन मुझे ट्रेलर पे वो फील नहीं आया। तो लेट्स सी फिल्म पे क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने वैक्सीन वॉर का ट्रेलर देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।